साल 2024 में रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की बैंड बजाई। वर्ल्ड कप जब हुआ T20 का, तब लगभग सभी टीमों के गेंदबाजों को फेंटा लगाया। इससे पहले भी रोहित अलग अलग समय हर टीम को लगभग डेमोक्रेटिक अंदाज से पीट चुके। लेकिन भगवान जाने क्या होता है कि जब रोहित शर्मा बांग्लादेश के सामने आते हैं टेस्ट में खासतौर पर, तो वो बेस्ट नजर नहीं आते। वो शर्मा जी का लड़का जो हर जगह सुपर हिट है, वो रो बांग्लादेश के सामने हिट नहीं होता। बांग्लादेश के सामने बार बार फ्लॉप हो जाते हैं रोहित, और रोहित शर्मा का ये फ्लॉप शो एक बार फिर दिखाई पड़ा है। रोहित शर्मा बांग्लादेश के सामने एक बार फिर से फ्लॉप हो गए। बड़ी हैरानी होती, क्यों होता है, कैसे होता है पता नहीं, लेकिन साल 2015 से लेकर 2024 के बीच में जब जब रोहित बांग्लादेश के सामने टेस्ट खेलते नजर आए, वो चल नहीं पाए। वनडे में उन्होंने पिटाई की है, T20 में पीटा होगा, लेकिन टेस्ट में बांग्लादेश के सामने रोहित का बेस्ट नहीं निकला। एंड ये थोड़ा सा मिस्टीरियस केस हो गया। बांग्लादेश के सामने फर्स्ट टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में रोहित शर्मा ने सिर्फ 6 रन बनाए, 19 गेंदें ली थी, उसमें से LBW भी था जिसमें अंपायर्स कॉल बच गए थे। लेकिन सेकेंड इनिंग में केवल 5 रन बनाकर वो आउट हुए, 7 गेंद 5 बॉल और थैंक यू। अब प्रॉब्लम यह है कि पहली बार 10 सालों में रोहित शर्मा डिसमिस हुए हैं 2 बार सिंगल डिजिट पे इंडिया में खेलते हुए एक मैच में। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ 10 सालों में टेस्ट में कि रोहित एक टेस्ट मैच की 2 पारियों में दोनों बार सिंगल डिजिट पे आउट हो गए, नहीं होता ऐसा। बट बांग्लादेश के सामने उनका पता नहीं क्या सीन है, क्यों है पता नहीं। लोगों को लग रहा था कि यार रोहित भाई शायद इस बार कुछ अलग करेंगे, बड़ा करेंगे। यही अभी ऑस्ट्रेलिया आएगी, न्यूजीलैंड आएगी, अब देखेगा रोहित शर्मा फेंटे फेंटा मार रहे होंगे। बट बांग्लादेश के सामने क्यों संघर्ष कर रहे हैं, ये एक क्यूरियस केस हो गया। 2 बार ऐसा हुआ रोहित शर्मा सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हुए, और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हैरान करने वाला है। इससे पहले रोहित शर्मा 6 रन बनाकर आउट हुए थे, इस बार 5 बनाकर आउट हुए। और रोहित ये नहीं है, रोहित ऐसा नहीं करते हैं। रोहित 10 साल पहले ऐसा हुआ होगा, लेकिन इस बीच में रोहित साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। रोहित हर बार आते हैं, छाते हैं, माहौल बनाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के सामने वो संघर्ष करते हैं। लाइक अगर मैं आपको उदाहरण के तौर बताऊं तो 2015 में फतुल्ला में मैच था, 9 बॉल पे 6 रन। इंदौर में मैच था 19 में, 14 बॉल 6 रन। ईडन गार्डन में मैच था, 35 बॉल 21 रन। चेन्नई में मैच 6 बॉल 6 रन और इसी में 7 रन। अब ये बहुत हैरानी की बात है, टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा का एवरेज जो है वो उनके करियर एवरेज से कम है। हालांकि इस साल रोहित ने वनडे में T20 में बहुत अच्छी पारी खेली। श्रीलंका के सामने जब कोई नहीं चल रहा था तब अकेले रोहित चल रहे थे। T20 वर्ल्ड कप में रोहित अलग लेवल पे खेल रहे थे, बट टेस्ट सीरीज में उनकी बांग्लादेश के सामने खासतौर पर ना चलना एक थोड़ा कंसर्न हो रहा है। हालांकि रोहित के बल्ले से इस साल टेस्ट में रन निकले हैं, 2 शतक मारा है, 1 हाफ सेंचुरी मारी है, एंड वी एक्सपेक्टिंग कि अगले मैच में शायद वो कमबैक भी हो जाए। बट फिर सवाल यही है कि ये क्यों हो रहा है, मतलब रोहित के बल्ले से रन क्यों नहीं निकला, बांग्लादेश के सामने क्यों नहीं निकला। और इसका रीजन ये रहा कि इंडिया की बैटिंग ऑर्डर भी कोलैप्स होने लगा। रोहित आउट हुए 5 रन पर, जयसवाल आउट हुए 10 रन पर, विराट आउट हुए 17 रन पर। अब ये प्रॉब्लम है कि यार क्या, मतलब लॉजिक क्या है। हालांकि इंडिया इस वक्त एक मजबूत स्थिति में, 309 रन उसके पास स्कोर बोर्ड पर है। इंडिया अगर 100-150 रन और बना लेती है तो फिर इस मैच में उसकी जीतना पक्का माना जाएगा। बट फिर भी सवाल वही है कि रोहित शर्मा क्यों स्ट्रगल करें, और रोहित शर्मा क्या थोड़ा सा अपने विकेट को लेकर और इंपॉर्टेंस देना पसंद करेंगे। मतलब वी बिलीव कि शायद अगले मैच में एक बड़ी नॉक आएगी, लेट्स जस्ट होप। बट बांग्लादेश के सामने ये बार बार कम पे आउट होना, ये थोड़ा सा सीरियस कंसर्न है।